माँ अम्बा, तुम्हारी बहुत कृपा है हमारे परिवार पर। तुम्हारे आशीर्वाद से हमारा कारोबार देखते ही देखते बहुत अच्छा हो गया। और मेरा बेटा दीपक, वो तो पढ़ाई में नंबर वन है। बस माँ, ऐसे ही कृपा रखना हमारे परिवार पर। दीपक, दीपक, नाश्ता तैयार है, अपने पापा को भी बुला कर लाना। भाई मैं तो आ गया। अरे आप आ भी गए, बैठिए। अरे कुमुद, तुम्हारा लाडला आए के ना आए, मैं तो नाश्ता शुरू कर देता हूँ भाई। मुझे जल्दी जाना है। अरे आपको इतनी जल्दी भी क्या है? कमाल कर रही हो तुम भी, नवरात्रि के दिन आ रहे हैं, उसमें तो घर की खास बढ़ती है। और दशहरा से दिवाली तक का सीजन है ना, वो व्यापारियों के लिए खास सीजन है। हाँ दीपक, नाश्ता ठंडा हो रहा है बेटा, जल्दी आ जाओ। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण बेटा। पापा, इस बार की नवरात्रियों में काठियावाड़ी ड्रेसेस की एक सेल लगी है। इस बार तो मैं अपनी परंपरा वाली ड्रेस पहनकर गरबा खेलूंगा। श्योर श्योर बेटा, अगर तुझे कुछ पैसे की जरूरत हो ना, अपनी मम्मी से ले लेना। थैंक यू पापा, मैं आज जरा जल्दी जा रहा हूँ। चलिए ना, मैं आपको दुकान तक छोड़ देता हूँ। अरे नाश्ता तो कर ले। मॉम, जितना खाना था उतना खा लिया, अब मैं चलता हूँ। और हाँ, शाम को आपसे मिलूंगा। अरे चलिए डर। चलो भाई मैं भी चलता हूँ। अरे नाश्ता तो कर लो, इतना सारा नाश्ता बनाया मैंने। आइए डैड। हेलो। हेलो, कोई बढ़िया सी काठियावाड़ी ड्रेस दिखाइए। ये देखिए, ये बहुत अच्छा कलर है, रेड कलर है। नहीं ये नहीं, कुछ और दिखाइए। ये देखिए, ये आप पर बहुत सूट करेगी, आपके कलर के हिसाब से सूट कैसी करेगी। कैसी है ये? कुछ जमी नहीं। तो ये देखिए सर, वो वाली कलर... दिखाइए वो। जी हाँ। ओके दीपक, हम लोग अभी आते हैं, चल निकल। ये देखिए, ये बहुत अच्छी है, फुल मरून कलर है और इसका हैंडवर्क भी बहुत अच्छा। हाँ, ये काफी अच्छी है। आप पे बहुत सूट करेगी। इसे पैक कर दीजिए। ओके सर। आपके यहाँ डांडिया नहीं मिलती है? नो सर, हम लोग डांडिया नहीं रखते। मैं इसे पैक करके लाती हूँ। इसके साथ अगर डांडिया मिल जाती तो कितना अच्छा होता। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर है। कितने के हैं? हो गई शॉपिंग? अरे वाह, ये डांडिया तो बड़े अच्छे हैं, किसने लिए? पता नहीं सर। ये लीजिए आपका पैकेट, काउंटर पर पेमेंट कर दीजिए। जी थैंक यू। वेलकम सर। यार ये डांडिया तो बहुत ही अच्छे हैं। सही है, और ड्रेस भी बहुत अच्छी मिल गई। बिल्कुल बिल्कुल।
सुनिए सुनिए, क्या बात है कुमुद? कुछ कुछ आवाज आ रही है। हाँ, लगता है दीपक अपना टीवी बंद करना भूल गया होगा। शायद ऐसा ही होगा। ठहरो, मैं देखती हूँ। जाग रहा है क्या? नहीं, दीपक सो रहा है और टीवी भी बंद है। तो फिर आवाज कहां से आ रही है? शायद पड़ोस में से आ रही होगी। ठीक है। जनों, बहनों और भाइयों, आज की रात नवरात्रि की पहली रात है। हम सदियों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। रास गरबा और डांडिया रास द्वारा हम अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा मां अम्बे के चरणों में समर्पित करते आ रहे हैं। पिछले साल की तरह हमने इस साल भी यह फैसला किया है कि आप ही में से एक होगा बेस्ट मेल डांसर और बेस्ट फीमेल डांसर। नवरात्रि के समापन पर दशमी की रात को उन्हें एक एक लाख रुपए का इनाम देकर पुरस्कृत किया जाएगा। गुड गुड ग्रेट, अपना ही है यार, अपना ही है। तो आइए माँ अम्बे का नाम लेकर झूम झूम कर नाचिए। जय अम्बे, जय अम्बे।
मच। आज का ये गरबा राज का राउंड सच ही में बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा। आप सब लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया। तो अभी आप सब लोग अपने लिए एक एक पार्टनर चुन लीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डांडिया राज। डांडिया का राउंड बहुत ही बेहतरीन रहा और मैं बहुत ही खुशी के साथ ये अनाउंस करूंगी कि आज के विजेता हैं दीपक मेहता। यस यस। ये है आपका इनाम। थैंक यू। Congratulations. Thanks once again. हम ये उम्मीद करते हैं कि आज ही की तरह आप रोज रात झूम कर नाचें और 1,00,000 रुपए का इनाम पाएं। यार ये दीपक उल्लू का पट्टा ना 3 में ना 13 में, पर आज ये दीपक हम लोगों को पीछे छोड़कर इतना आगे कैसे निकल गया? अरे छोड़ना यार, गोली मार उसको। उसके चक्कर में अपने नए पार्टनर की तलाश तक भूल गए हम लोग। भूल कैसे गए? वो देखो। और ये दोनों का पैर सचमुच। चलो रंजीता घर चले। अच्छा आंटी मैं निकलती हूँ, बहुत देर हो गई है। ओके बाय 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 बाय। और रात तो दीपक ने कमाल कर दिया। हाँ यहाँ नाच रहा था ना वो, मैं तो उसे देख। जय श्री कृष्ण बेटा। जय श्री कृष्ण बेटा। तेरी बातें कर रहे थे बेटा, कल क्या तू नाच रहा था? वाव, मैं तो उसे देखकर हैरान ही रह गई। मम्मा तुम क्या हैरान रह गई, मैं खुद हैरान हूँ। मुझे तो खुद समझ में नहीं आया कि कल रात मैंने इतना अच्छा डांस कैसे किया। और पापा पिछले साल तक तो मेरा कोई नंबर ही नहीं था, और जब तक मेरे हाथ में वो डांडिया नहीं आई थी मैं ऐसे नाच रहा था जैसे मुझे नाचना आता ही ना हो। लेकिन जैसे ही मेरे हाथ में वो डांडिया आई, मेरे अंदर मानो एक
एक एक बिजली सी दौड़ गई हो, और मेरे अंदर एक ऐसी शक्ति आ गई कि जो भी लोग मेरे सामने नाच रहे थे, जो भी लोग, वो सब के सब मुझे बच्चे से लगने लगे। और वो अजय, नीरज, गोपाल, नितिन जो कि नंबर वन है, वो भी मुझे बच्चे से लग रहे थे। अरे बेटा, हैरान तो मैं भी हो गया था, तुमने तो पहले ही दिन सबकी छुट्टी कर दी है? और बेस्ट डांसर का अवार्ड जीत लिया। थैंक यू डैड। और बेटा, मुझे तो अब भी वही डांडिया की आवाज सुनाई दे रही है। फिर वही आवाज। मम्मी, कल रात को भी मैंने ऐसे ही म्यूजिक के बजने की आवाज सुनी थी, जिसको सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी। हाँ बेटा, यही आवाज सुनकर मैं तेरे कमरे में आई थी, यही सोचकर कि शायद तू सो रहा होगा, ये बंद करना भूल गया होगा। पर जब मैं तेरे कमरे में आई तो तू सो रहा था और टीवी भी बंद था। मुझे लगता है कि हम लोग किसी भ्रम का शिकार हो गए हैं। कैसा भ्रम? आपने भी तो आवाज सुनी, फिर भ्रम कैसा? हाँ, सुनी तो थी, मगर क्या है कि आजकल नवरात्रि चलती है ना, तो चारों ओर से ऐसी आवाज सुनाई देती है। हाँ, मम्मी, मुझे भी ऐसे ही लगता है। चलो चलो नाश्ता करते हैं। हाँ, आओ बेटे। अरे यार, बड़ी गड़बड़ हो गई। कल के उस छोकरे ने सबके सामने हमारी इज्जत का कचरा कर दिया। हाँ यार, कचरा तो कर दिया। अगर ऐसे ही चलता रहा ना, तो आखिर में बेस्ट डांसर का इनाम वही ले जाएगा और हम लोग मुंह देखते रह जाएंगे। अरे सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो रंजीता, उसने तो हमें कोई भाव ही नहीं दिया, वो तो बस उसी को देखे जा रही थी। उस लड़के को रोकना ही होगा। पर रोकेंगे कैसे? इसकी चिंता तुम लोग मत करो। एक उड़ते हुए पंछी के पर कैसे काटे जाते हैं, ये मैं तुम लोगों को बताऊंगा। थैंक्स, थैंक्स वेरी मच। ओके बाय। कौन था? कोई नहीं, गौरव यार। अच्छा अच्छा, कल रात की नवरात्रि के बारे में बात कर रहा था। हाँ 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 यार, दीपक तू तो छुपा हुआ रुस्तम निकला यार। क्यों? क्या क्यों यार? अरे यार, इसी तरह नाचता रहा ना, अवार्ड इसकी जेब में ही है। थैंक्स यार। ओ शिट, क्या हुआ? अरे यार टाइम तो देखो, अभी घर जाना है, ड्रेस चेंज करना है। कम ऑन कम ऑन, जल्दी चलो। घर जाना है? अरे ड्रेस चेंज करेगा ना तो तू रात को नहीं सवेरे फंक्शन में पहुंचेगा। अरे समझा इसे। अरे यार चलना यार, यहीं से चलते हैं यार। चल पर यार, चल, चल, बिना ड्रेस और डांडिया के हम लोग। अरे यार, एक दिन इस ड्रेस में खेलेगा तो क्या फर्क पड़ेगा। चलना यार। अच्छा चलना यार, यार।
इसी ड्रेस में चलते हैं, बट लेट्स गो, कम ऑन, गेट अप। ओके चलो चलते हैं, चलो 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 चलो। एक दिन इनाम क्या जीत लिया, हाँ भेजा फिर गया उसका। हाँ यार बिल्कुल ठीक कह रहा है ये। एक आ रहा है वो, कभी कभी ये भी समझदारी की बातें कर लेता है। हाँ यार इसका तो कुछ करना पड़ेगा। आज के राज गरबा राउंड में सबसे ज्यादा पॉइंट स्कोर करने वाले हमारे बेस्ट डांसर हैं गोपाल भट्ट। गुड मैन, गुड, कीप इट अप मैन। थैंक यू कंग्रेचुलेशंस गोपाल। थैंक यू आपका इनाम। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरह अगले राउंड में भी आपका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा रहे। ऑफ कोर्स, थैंक यू वेरी मच। आ जाए यार, बहुत अच्छा खेला, छा गया यार आज तो। कंग्रेचुलेशन। अरे ये राउंड क्या, सारे राउंड तो मैं ही जीतूंगा। और ये रंजीता, ये अब दीपक के लिए नहीं मेरे लिए तालियां बजाएगी। तो अभी आप सब लोग अपने लिए एक एक पार्टनर चुन लीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू करने जा रहे हैं डांडिया रास।
आज तो कमाल हो गया, आज एक नहीं बल्कि इस राउंड के दो दो विजेता हैं। वाओ, हमारा बेस्ट कपल ऑफ दिस नाइट इज दीपक मेहता एंड रंजीता मकवाना। Congratulations to both of you. Thank you. Thanks. This is for you, aap dono ka inaam. Ek baar phir se inke liye zordaar taaliyan. Thank you. Thanks. Thank you. To hamara ye aaj ka bhi inaam lekar gaye Deepak Mehta. Come on guys, wake up. अभी भी हमारा 1,00,000 का मेगा इनाम बाकी है, तो आइए सब लोग झूम कर नाचें, जय अंबे का नाम लेकर, जय अंबे। तो फाइनली हम लोगों ने अवार्ड जीत ही लिया। Yes, we made it. जय मांबे। जय अंबे। अरे क्या हुआ दीपक? अरे मेरे डांडिया, मैंने यही तो रखे थे। शायद कोई अपनी समझ के ले गया होगा। अच्छा चले, हाँ अगला टी वेट कर रहे होंगे। चलो तो पार, अब तो इसने हमारे शिकार पर भी हाथ डाल दिया है। हाँ अब तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और ये रंजीता, इसके भी पर काटने पड़ेंगे। ये अकेली आई है या इसके साथ और भी कोई है? अरे नहीं यार, ये अपने फ्रेंड्स के साथ आई है। तब तो इसे अकेला करना पड़ेगा। आ गए दोनों। आओ बेटा आओ। अरे बेटा तुमने तो आज कमाल कर दिया। आंटी मैंने क्या किया है, जो कुछ किया है दीपक ने किया है। अच्छा बेटा तुम रहती कहाँ पर हो? शांतावाड़ी में। ओ क्या हुआ रंजीता? क्या हुआ बेटा? लगता है मेरे फ्रेंड्स चले गए। तो क्या हुआ, दीपक तुम्हें घर तक छोड़ाएगा बेटा? हाँ। नहीं दीपक को खामखा तकलीफ होगी। पर उसमें तकलीफ किस बात की बेटे, ये वक्त ही ऐसा है, इस वक्त लड़की अकेले घर नहीं जाया करती। जाओ दीपक बेटे, रंजीता को घर पे छोड़ के आओ। जी पापा। आओ रंजीता चले। I'll catch you later. Bye. Bye बेटे, bye bye. Bye. क्या हुआ? पता नहीं, मैं देखता हूं। क्या हुआ दीपक? कुछ समझ में नहीं आ रहा, सब कुछ तो ठीक है। अब क्या करें? यहां तो दूर दूर तक कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। इसीलिए मैं कह रही थी हमें शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। यार इतनी देर हो गई, ये दोनों अभी तक आए क्यों नहीं? आ रहा होगा रंजीता के साथ मौज मस्ती करते हुए, मगर जाएगा कहां, रास्ता तो यही है, हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकता।
रंजीता, तुम्हें कुछ सुनाई दे रहा है? हाँ, ये तो दादी की आवाज आ रही है। बिल्कुल ऐसी आवाज़ें मुझे पिछले 2-3 दिनों से सुनाई दे रही है। हो सकता है हम इस पीसी पे नाच रहे थे तो ये आवाज हमारे कानों में गूंजने लगी हो। शायद। रंजीता, रंजीता तुम्हें वो 2 डांडियां दिखाई दे रही हैं? हाँ। वो, वहाँ। मुझे तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। भ्रम तो नहीं है? ये भ्रम नहीं, सच्चाई है। कौन है? किसकी आवाज है ये? कौन है? किसकी आवाज है ये? मुझे बहुत डर लग रहा है। डरो मत रंजीता, चलो हम दूसरे रास्ते से चलते हैं। शुरू हो गए। रंजीता, तुम्हें कुछ दिखाई दे रहा है? कहाँ? उस पेड़ के पास। नहीं, मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, ये कुछ बहुत अलग रहा है। चलो जल्दी चलते हैं। अरे आ गया बेटा, तू छोड़ा है रंजीता को? क्या बात है बेटा? हाँ? तू इतना घबराया हुआ क्यों है? मम्मी, मम्मी, मैंने बिल्कुल रास्ते में ऐसे ही डांडिया देखे थे, बिल्कुल ऐसे ही। डांडिया? हाँ? ये तो क्या बोल रहा है बेटा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी वही तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जब मैं रंजीता को छोड़ने घर जा रहा था तब यही 2 डांडिया मुझे दिखाई दी थी, और इससे पहले मेरी गाड़ी के ब्रेक अपने आप लग रहे थे, जैसे कोई मुझे रोकना चाहता हो। ये तो क्या बोल रहा है बेटा? और मम्मी अजीब बात तो ये थी कि ये डांडिया सिर्फ मुझे दिखाई दे रही थी, रंजीता को नहीं। और जब मैंने ये कहा कि कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं, तो कहीं से आवाज आई कि ये भ्रम नहीं सच्चाई है। मैं और रंजीता तो बिल्कुल डर गए और घबराकर मैंने गाड़ी मोड़ ली, और फिर मैं उसे दूसरे रास्ते से घर छोड़कर आया। जो कुछ भी तू कह रहा है उस बात पर मैं कैसे विश्वास कर लूं? मम्मा, सच कह रही है तुम्हारी मम्मी। पापा, पापा आप मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? मैं जो कुछ भी कह रहा हूं वो सच है। बेटे, तुम जितनी तेजी से और जितनी देर के लिए डांस करते हो ना, उसमें तो कोई भी आदमी थक जाता है। उसके दिलो दिमाग में गाने बजाने की धुन सवार हो जाती है। क्योंकि तुम डांडिया घर पे छोड़ के गए थे इसलिए तुम्हें भी ऐसा लगने लगा। बाकी वैसे भी इन लकड़ी के 2 टुकड़ों के सिवा इनमें और क्या बात है?
रक्षा तू ही करना। थी ना? हाँ, आपने सच कहा, मैं मर चुकी हूँ। लोगों के कहने के मुताबिक तुम्हारी मौत तो एक दुर्घटना में हुई थी ना? नहीं, ये बिल्कुल झूठ है। मेरी मौत किसी दुर्घटना में नहीं हुई थी। हाँ? मेरी मौत नवरात्रि की अष्टमी की रात को हुई थी, और ये कोई हादसा नहीं था, मेरा कत्ल हुआ था। और मेरे कातिल अब तक जिंदा है। कौन है तुम्हारे कातिल? बताती हूँ, पिछले साल हमारा परिवार नया नया इस महानगरी में आया था। हम लोग कच्छ के रहने वाले हैं। मुझे क्या पता था कि छोटे और बड़े शहरों की परंपराएं तो एक होती है, लेकिन भावनाएं एक नहीं होती हैं। पहली बार मुझे इतने बड़े शहर की नवरात्रि देखने को मिली थी। हर जगह नवरात्रि का शोर, रोशनी ही रोशनी, नई नई पोशाकों और गहनों में लदी हुई लड़कियां और लड़के, बहुत खूबसूरत माहौल था। डांडिया तो मैं अपने शहर में भी खेलती हूं, लेकिन यहां की बात ही कुछ और थी। यहां के नवरात्रि मंडल की सजावट देखते ही बनती थी। उस रात जब मैं वहां पहुंची, मेरे आनंद का ठिकाना नहीं था। कितनी खुश थी मैं। आज की रात देवयानी की रात है।
इस रात की विजेता हैं देवयानी। कांग्रेचुलेशंस देवयानी। और ये है हमारी आज की विजेता देवयानी। इनके लिए एक बार फिर से तालियां हो जाएं। गोपाल, हम यहीं खड़े रहेंगे? यार आगे चलकर बधाई तो दे उसे। तुम ही वहां डांस लर्न करती हो? अरे यार क्या सोच रहा है तू? क्या हुआ है तुझे? जाना बहुत अच्छा डांस, ये बहुत अच्छा लग रहा है। अम्मा यार इस लड़की ने कुछ जादू सा कर दिया है मुझ पर। ओके बाय बाय। आओ मिलते हैं इससे। एक्सक्यूज मी, कांग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा डांस किया। थैंक यू जी। मेरा नाम गोपाल है। मैं नितिन। मेरा नाम अजय है। और मैं नरेंद्र। हेलो। हमने डांडिया खेलने वाले तो बहुत सारे लोग देखे लेकिन आप जैसा आज तक तो कोई नहीं देखा। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग भी बहुत अच्छा डांडिया खेलते हैं, मैंने देखा है। हम लोग भी थोड़ा बहुत तो खेल लेते हैं लेकिन जो बात आप में है वो किसी और में नहीं। आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी अगर आप पूरा ना माने तो। नहीं क्या बात है? हम चाहते थे कि आप ये थोड़ा सा डांस हमें भी सिखा दीजिए। मैं वो देखिए डांडिया तो हम सब लोग खेल लेते हैं लेकिन आपको तो डांस भी आता है, थोड़ा सा डांस हमें भी सिखाइए। ज्यादा नहीं, बस दो चार स्टेप्स कंपटीशन के लिए। देखिए ये एक कला है और कला सीखी जाती है लेकिन कोई सिखाने वाला भी तो होना चाहिए ना। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप हमें सिखाइए। अच्छा अगर आप लोग इतना कह रहे हैं तो जो कुछ मुझे आता है मैं आपको सिखा दूंगी। तो फिर तय हुआ, आप हमें डांस सिखाएंगी। लेकिन इसके लिए तो हमें आपके घर आना पड़ेगा। मेरे घर? वो हाँ ऑफ कोर्स, आखिर जब प्यास लगती है तो प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। तो कहाँ रहती हैं आप? मैं यहीं पर रहती हूँ विठल नगर में। तो बस तय हुआ, कल हम विठल नगर में मिलते हैं। ठीक है ठीक है ठीक है। थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बाय बाय। गई तुम्हारे सपनों की रानी। अरे जा गोपाल जा, भाई तुझे ही ढूंढ रही है, जा। हाय देवयानी। ओह हेलो गोपाल। यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल टुडे। थैंक यू। अच्छा एक बात बताओ, तुम ये जो ड्रेसेस पहनती हो ये सब कहाँ से खरीदती हो? मुझे भी कुछ लेनी थी। नहीं मैं ये ड्रेसेस खरीदती नहीं, ये मेरी माँ घर में ही बनाती है। अच्छा आपकी माँ बनाती है? हाँ ये सब खास नवरात्रि के उत्सव के लिए। That's great. I mean, इन ड्रेसेस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। Thank you. देवयानी, मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी। रिक्वेस्ट? कैसी रिक्वेस्ट? एक्चुअली मेरे मोहल्ले में एक डांडिया रास का प्रोग्राम रखा हुआ है और वो लोग चाहते हैं कि आप कुछ मिनटों के लिए वहाँ आओ। नहीं अब
गोपाल, लेकिन यहाँ का प्रोग्राम छोड़कर मैं वहाँ कैसे आ सकती हूँ? अब देखो देवयानी, यहाँ का प्रोग्राम स्टार्ट होने में अभी काफी देर है और मेरा मोहल्ला भी कोई ज्यादा दूर नहीं है, कुछ मिनटों के लिए ही तो जाना है। पर नहीं बब्बू, अब वो यहाँ मैं, मुझे कोई पहचानता नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता, अलग सी जगह हो जाएगी। देखो देवयानी, मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज। ठीक है, थैंक यू देवयानी, थैंक यू वेरी मच, तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है, लेकिन जल्दी आ जाएंगे ना? तुम चलो मैं आता हूँ। ठीक है। गोपाल, ये हम लोग कहाँ जा रहे हैं? तुमने तो कहा था कि तुम्हारा मोहल्ला करीब में है, ये तो बहुत घना जंगल है। हाँ, ये बहुत घना जंगल है और हम इस जंगल में मंगल करने जा रहे हैं। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये है कि आज की रात का जो दांडिया रास है वो इस जंगल में बिताएंगे। ये कौन सी जगह है गोपाल? ये तुम मुझे कहां लेकर आए हो? देखो चलो यहां से वापस चलो। चलेंगे, जरूर चलेंगे, इतनी जल्दी भी क्या है। अरे पकड़ो इसे, पकड़ो, देखो भागे ना कहीं, पकड़ो। देखो मुझे तुम लोग की नीयत ठीक नहीं लगती। अब बताओ, इतनी खूबसूरत लड़की, उस पर इतना सुनसान सा जंगल, तो नियत तो खराब होगी कि नहीं होगी? देखो मैं ऐसे वैसे लड़की नहीं हूँ। ना 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 ना, हमने तुमको बिल्कुल ऐसे वैसे नहीं समझा, क्योंकि तुमसे पहले भी यहाँ कई सारी लड़कियां आ चुकी हैं। पहले तो सारी लड़कियां डायलॉग मारती हैं, बाद में हमारे साथ ही। तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी घिनौनी हरकत करते हुए? इस पवित्र परंपरा को अपनी घिनौनी हरकत से गंदा करते हुए? अरे लोग तो अष्टमी की रात कुंवारी लड़कियों को पूछते हैं और तुम? चुप, बंद कर तेरा ये भाषण, वरना मैं। वरना क्या? लगता है तुम्हारा पारा सिर्फ कमजोर लड़की से पड़ा है। मैं दिव्यानी हूँ, दिव्यानी, मैं कमजोर नहीं, मैं बुजदिल नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी या जान ले लूंगी। अरे तुम पर जान देने ही तो मैं आया हूँ। Thank you.
सच्चाई पता चल गई ना, उन्होंने ये काम इतनी सफाई से किया कि ना तो मेरे गायब होने की खबर मिली और ना ही उनके मुजरिम होने की, क्योंकि मुझे मारकर वो फिर से फंक्शन में चले गए। हमें दुख तो इस बात का है कि तुम्हारे कातिल आज भी आजाद घूम रहे हैं। हाँ, अब उनकी नजर रंजीता पर है। क्या? रंजीता पर? रंजीता पर? हाँ, ये सच है। ये काम तो आज ही रात हो जाता अगर दीपक ने अपना रास्ता ना बदला होता, तो वो हाईवे पे दीपक और रंजीता का इंतजार कर रहे थे। अगर आज रात में आपका रास्ता ना रोकती, तो आपकी जान ले लेते और रंजीता का बलात्कार करके उसकी भी जान ले लेते। उन लोगों का अब भी मंसूबा पूरा नहीं हुआ है, वो अब भी आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा भटक रही है, मेरी आत्मा इंसाफ चाहती है, मेरी आत्मा इस नवरात्रि के त्योहार में अपराध करने वाले गोपाल और उसके साथियों जैसे हर गंदे इंसान से बदला लेना चाहती है, उसे खत्म कर देना चाहती है। मैं उन चारों को ऐसी सजा दूंगी कि आप इसके बाद कोई लड़का इस तरह की ऐसी घिनौनी हरकत किसी लड़की के साथ करने की हिम्मत नहीं करेगा। लेकिन इसके साथ मुझे दीपक का साथ चाहिए। मेरा? आप लोग डरिए मत, क्योंकि मैं एक शरीर नहीं, मैं एक आत्मा हूं। मैं कमजोर नहीं, मैं ताकतवर हूं। मैं दीपक की जान पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये एक लड़ाई है, ये लड़ाई मेरी और उन चारों की है जिन लोगों ने नवरात्रि के इस पवित्र समारोह की गरिमा को अपवित्र बनाया। मैं उन लोगों को कैसे माफ कर सकती हूं? लेकिन इस अष्टमी की रात इंसाफ होगा, उन लोगों को जरूर सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। लेकिन इसमें मुझे दीपक और रंजिता की मदद की जरूरत पड़ेगी। दिव्यानी बहन, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं रंजिता से भी बात करूंगा, बस समझ लो कि वो भी तुम्हारे साथ है। धन्यवाद दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद। रिलैक्स यार, रिलैक्स। अरे गोपाल, वो कल रात वाली बात मेरे अब तक समझ में नहीं आई। हम पूरी रात वहां खड़े रहे, पूरी रात, मगर पता नहीं वो किस रास्ते से निकल गए। अब वो जिस रास्ते से भी गए, सही सलामत घर पहुंच गए। मुझे तो लगता है कि दीपक रंजीता को कहीं और ले गए। खूब मजे किए होंगे दोनों ने। बस रात गई, बात गई, लेकिन आज आखिरी रात है और आज मुझे रंजीता को किसी भी सूरत में हासिल करना है, समझे? किसी भी सूरत में। मगर कैसे? ये सोचना अब मेरा काम है। हाय गोपाल। अबे ये सचमुच रंजीता की आवाज है या मेरे कान बज रहे हैं? अरे तेरे क्या, हम सबके कान बज रहे हैं। हाय। हाय गोपाल। हाय रंजीता, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। क्यों, ऐसा क्या हो गया? नहीं, बात तो ये कि दांडिया में भी सिर्फ तुम दीपक को ही देखती हो। दीपक तो मैं सिर्फ देखती हूँ, मगर तुम एक ऐसे कलाकार हो जो हमेशा डांस में फर्स्ट प्राइज लेके जाते हो। लेकिन इस साल तो। डोंट वरी, इस बार भी तुम ही प्राइज लेके जाओगे, आई एम श्योर। एक्चुअली रंजीता, अगर इस साल तुम मेरे साथ रहो तो फिर शायद मैं। ओके, श्योर श्योर, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। Yes, yo! अरे यार, ये तो सेलिब्रेट करने वाली बात है। सेलिब्रेट भी कर लेंगे, पहले तुम 1,00,000 का इनाम तो लेते चलो।
अच्छा अब मैं चलती हूँ, हम रात को वहीं मिलेंगे, ओके? ठीक है। बाय 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 सी यू बाय। अरे यार गोपाल, ये तो चमत्कार हो गया यार। चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं, मुझे बताए ये चाहे जितना भी घूम फिर ले, आखिर आएगी मेरे पास ही। और समझ लो आज की रात कत्ल की रात। यस यस। नहीं यार गोपाल को भी मिल सकता है ये आज का प्राइस, देखते हैं क्या होता है। लक लक की बात है। हेलो रंजीता। हाय वेयर आर यू? गॉट स्टक। लाओ अपनी डांडिया मुझे दो। क्यों भाई, मैं तुम्हारी डांडिया से नाचूंगा आज। ओके। और तुम इन डांडियों के साथ नाचना। ओके। विजेता है गोपाल भट्ट। कांग्रेचुलेशंस गोपाल, यू वर अमेजिंग। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। सो कीप इट अप। थैंक यू। अरे यार गोपाल छा गया, तू तो छा गया। आया कि नहीं मजाक? क्या कहा था मैंने? Congratulations, गोपाल। Thank you, रंजीता। मैंने तुमसे कहा था ना, अगर तुम मेरे साथ हो तो फिर तो जीत मेरी होनी है। हाँ, मैं तो हूँ तुम्हारे साथ। Actually, रंजीता, तुमसे एक बात करनी है। दरअसल मेरे मोहल्ले में एक डांडिया का छोटा सा प्रोग्राम है और वहाँ के लोग चाहते हैं कि तुम वहाँ थोड़ी सी देर के लिए आओ। और मैंने तुमसे बिना पूछे उनसे हाँ भी कर दिए। देखो रंजीता, ना मत करना, मेरी इज्जत का सवाल है, प्लीज। मगर ये फंक्शन छोड़कर? हाँ, वहाँ ज़्यादा देर थोड़ी ही लगेगी, 5 ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। और गाड़ी में जाना है, गाड़ी में वापस आ जाना है। मगर हम जाएंगे कैसे? अगर लोगों ने देखा तो? तुम एक काम करो, तुम चुपचाप से बाहर आ जाओ, मैं गाड़ी के पास तुम्हारा इंतजार करता हूँ। ओके ठीक है, ठीक है, बाय बाय। आर यू कंफर्टेबल रंजीता? या वेरी कंफर्टेबल। लेकिन तुमने ऐसे क्यों पूछा? ऐसे ही, बस तुमने अब तक ये नहीं पूछा कि हम आखिर जा कहाँ रहे हैं। जब तुम मेरे साथ हो तो पूछने की क्या जरूरत है? मैं तो तुम्हारे साथ चल पड़ी हूँ, तुम जहाँ लेकर जाओगे मैं वही चलूंगी। अच्छा, are you sure? Yeah, very much sure. मुझे तो ये जंगल, ये वीराना, ये सुनसान जगह कुछ ज्यादा ही पसंद है। मुझे भी ये सब बहुत पसंद है। सच? तुम्हारे सर की कसम। तो रंजीता, कैसी लगती है तुमको ये जगह? वाओ क्या जगह है। फिर तो आज मजा आएगा, आज हम यही डांस करते हैं। मैं भी नाचूंगी, मगर मगर क्या? डांस करने के लिए तो म्यूजिक की जरूरत होती है ना। देर यू आर, म्यूजिक तो बहुत जरूरी है।
नितिन, अंदर दांडिया का एक कैसेट है, जरा बजाना। ओके, अभी बजाता हूँ। शायद मुझे भ्रम हो रहा है। ये मेरा नशा है जिसमें तुम बहक गए हो। वैसे तो मैं दारू पीने के बाद बहक जाता हूँ, लेकिन आज आज शायद मैं तुम्हारे नशे में बहक चुका हूँ। रंजीता रंजीता नहीं, देवयानी। क्या देवयानी? क्या हो रहा है यार? हाँ यार, रंजीता, रंजीता ये क्या मजाक है? सामने आओ। देवयानी, देवयानी तुम? अरे बाप रे, तुम? देवयानी, देवयानी तुम? देवयानी तुम? हाँ, मैं देवयानी। याद है तुम लोगों को? पिछले साल अष्टमी की रात यही वो जगह थी, तुम चारों थे और मैं बिल्कुल अकेली। याद है तुम लोगों ने मुझसे क्या कहा था उस दिन? आओ देवयानी, नाचो नाचो देवयानी, नाचो देवयानी। लेकिन आज आज कत्ल की रात है, आज तुम लोग नाचोगे, नाचो। देवयानी नहीं, मुझे माफ कर दो, प्लीज मुझे माफ कर दो देवयानी। गोपाल, तुम शायद ये भूल गए कि ये उत्सव तो सिर्फ श्रद्धा और भक्ति का है, अय्याशी और मौज मस्ती का नहीं।
दीपक, मैं तुम दोनों की बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि तुमने मेरा साथ देकर मुझे इंसाफ दिलाया। आज मेरी भटकती हुई आत्मा को शांति मिलेगी। दिव्यानी बहन, आज के बाद हम देखेंगे कि नवरात्रि के उत्सव में कोई भी ऐसी घटना ना हो जिसमें किसी दिव्यानी को अपनी जान देनी पड़े।